A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 12. So students, हमने previous video में discuss किया था the happenings of 1922 to 1929. So बच्चे आज हम next topic start करेंगे. हमारा next topic है the march to Dandi. In 1930, Gandhiji declared that he would lead a march to break the salt law. According to this law, the state had a monopoly on the manufacture and sale of salt. So जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इन द ईयर 1929 में क्या था कि लोगों की मांग थी कि उनको क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पूर्ण स्वराज. पर सोचने की बात ये थी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था वो खुद से आ जाएगा, नहीं, वो खुद से नहीं आना था. उसके लिए लोगों को क्या करना था, इसके लिए फाइट करनी थी. तो इसी वजह से गांधी जी ने 1930 में एक मार्च स्टार्ट की, ठीक है, एक मार्च को लीड किया और कहा कि वो एक मार्च स्टार्ट करेंगे जिसमें वो क्या ब्रेक करेंगे, सॉल्ट लॉ. अब सॉल्ट लॉ क्या था, सॉल्ट जो लॉ था वो एक ऐसा लॉ था जिसमें जो ब्रिटिशर्स द्वारा नमक पे टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स के पास ही पूरा अधिकार था मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सॉल्ट, कि मैन्युफैक्चर भी ब्रिटिशर करेंगे एंड सेल भी ब्रिटिशर्स ही करेंगे. कोई भी इंडिया का कोई भी पर्सन सॉल्ट को ना तो प्रोड्यूस कर सकता है ना सेल कर सकता है. तो जो पूरी मोनोपोली थी, पूरा अधिकार था, एक अधिकार था, वो किसके पास था, ब्रिटिशर्स के पास था, ठीक है. और जो सॉल्ट इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा था वो ब्रिटिशर्स कर रहे थे. इसकी वजह से क्या कर रहे थे, सॉल्ट पे क्या लगाया जा रहा था, टैक्स लगाया जा रहा था. तो इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 1930 में एक मार्च को लीड किया, ठीक है. महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर रीजन दैट इट वॉज सिंफुल टू टेक सॉल्ट सिंस इट इज सच एन असेंशियल आइटम ऑफ अवर फूड. महात्मा गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने कहा कि जो सॉल्ट पे टैक्स लगाया जा रहा है वो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हमारे खाने का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सॉल्ट है या नमक है. और सॉल्ट ही एक ऐसी चीज़ है जो असेंशियल आइटम भी है हमारे फूड की, जो गरीब और अमीर दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है. तो सॉल्ट पे टैक्स लगाना गलत बात है. द सॉल्ट मार्च इज़ रिलेटेड टू द जर्नल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पोअर. तो बच्चे, जो ये सॉल्ट मार्च था, या हम इसको डांडी मार्च भी कहते हैं, इसमें सबने पार्टिसिपेट किया, सबने अपनी प्रॉब्लम सामने लेके आए, ठीक है, जो सॉल्ट के रिलेटेड थी. एंड इसकी वजह से कोई डिवीज़न नहीं हुई रिच एंड पोअर की. इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो रिच थे, चाहे वो पोअर थे, चाहे वो पीजेंस थे, चाहे वो ट्राइबल्स थे, चाहे वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, चाहे वो वुमेंस क्यों नहीं थी, सब ने इस मार्च को सपोर्ट किया और इसमें अपना योगदान दिया. Gandhiji and his followers marched for over 240 miles from Sabarmati to the coastal town of Dandi, where they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling seawater to produce salt. तो बच्चे, गांधी जी ने अपनी मार्च स्टार्ट की, ठीक है, गांधी जी और उनके फॉलोअर्स ने अपनी मार्च कहाँ से स्टार्ट की, साबरमती आश्रम से, जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है. और उनकी मार्च जो थी वो कहाँ ख़त्म हुई, कोस्टल टाउन ऑफ डांडी में. डांडी एक जगह है जो गुजरात में है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट लॉ को ब्रेक किया. कैसे, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया नेचुरल सॉल्ट किनारों से, ठीक है, सी शोर से, और उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया ताकि सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है. तो इसी तरह गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ को जो गवर्नमेंट ने पास किया था उसको ब्रेक किया. इस वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि हम जो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से किसको प्रॉफिट हो रहा था, ब्रिटिशर्स को हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स कर रहे थे. तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया. इस वजह से गुस्सा इसीलिए आया उनको कि उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, और उनको ऐसा लग रहा था कि लोग जो है वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है. पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स. द गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रही. थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल. जैसे कि मैंने आपको बताया, इस मार्च में बिना कोई डिवीजन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया. एग्जांपल, जैसे पीजन थे, फार्मर्स थे, ट्राइबल्स थे. इवन हमने इस मूवमेंट में ये भी देखा, इस मार्च में ये भी देखा कि
औरतों का योगदान भी बढ़ चढ़ कर आया, ठीक है, औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर सॉल्ट लॉ को सपोर्ट किया। ओके बच्चे, तो सॉल्ट लॉ ब्रेक होने की वजह से जो गवर्नमेंट थी वो बहुत गुस्से में थी, उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की थ्रू ब्रूटल एक्शन, ठीक है, कुछ ऐसे एक्शन लिए कि जो बहुत कठोर थे, ठीक है, किसके खिलाफ, जो पीसफुली सत्याग्रह कर रहे थे। तो क्या किया ब्रिटिशर्स द्वारा, लोगों को जेल में डाला गया, लोगों को मारा गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से लोगों को हार्म हुआ, इंडियन पीपल को हार्म किया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बॉर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937। सो बच्चे, जो कंबाइंड स्ट्रगल की जा रही थी, ठीक है, पहले से ही होती जा रही थी, पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो ये सारी मूवमेंट्स थी, फिर सॉल्ट मार्च हुआ, ठीक है, इनका कंबाइंड स्ट्रगल इंडियन पीपल को तब मिला जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फॉर्म किया गया, कब, 1935 में। एंड उस एक्ट में ये कहा गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स कि अब प्रोविंशियल लेवल पे भी लोगों को पावर्स मिलेंगी, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लोगों को पावर मिलनी चाहिए। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही थी, ठीक है, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। एंड 1935 में एक्ट पास किया गया एंड दो साल बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस भी होंगी, कब स्टार्ट बोला उन्होंने, 1937 में। तो इलेक्शन कंडक्ट हुई, तो कांग्रेस लीडर्स ने भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की 7 प्रोविंसेस में। उस टाइम पर टोटल 11 प्रोविंसेस थी, आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। और जो 4 प्रोविंसेस थे उनमें किसकी गवर्नमेंट फॉर्म थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ कांग्रेस रूल इन द प्रोविंसेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सितंबर 1939 तक कांग्रेस को रूल करते हुए प्रोविंसेस पे 2 साल हो गए थे, तभी अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ठीक है, हिटलर के खिलाफ जो कांग्रेस लीडर्स थे वो हिटलर को सपोर्ट नहीं करते थे, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो हिटलर के खिलाफ हो रही थी, हिटलर जो थे वो जर्मन पॉलिटिशियन थे, ठीक है। तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा ब्रिटिशर्स के आगे कि जो इंडियंस हैं वो वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चे, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। पर इंडियन सपोर्ट ज़रूर करेंगे, पर इसके बदले में इंडियंस को क्या चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, ठीक है। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कॉन्सीड द डिमांड, पर ब्रिटिशर्स ने डिमांड को मानने से मना कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। तो बच्चे, कांग्रेस ने ये सोचा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या पता जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दें, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, जिस वजह से कांग्रेस लीडर्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे और कांग्रेस लीडर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया एज ए प्रोटेस्ट, ठीक है। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो इंडिया है वो फुल फ्रीडम चाहता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता है ब्रिटिश रूल से। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बच्चे, हम मूवमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी जो मूवमेंट्स है, जैसे पहले रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया, उसके बाद खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने पीपल इनिशिएटिव्स की बात की, उसके बाद हमने हैपनिंग्स ऑफ 1922-1929 की बात की, अब हम उसके बाद हमने मार्च टू दांडी जो हमने आज डिस्कस किया। बच्चे, ये सारी मूवमेंट जो हैं वो एक स्टेप है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से समझने हैं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।